ये क्या कह रहे हैं आप, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने खुद अपने कानों से सुना है अनिका, उमेर फातिमा को प्रपोज कर रहा था। सही, फातिमा है बड़े नसीबों वाली। एक बच्चे की मां तलाक याफ्ता होने के बावजूद उमेर जैसा लाइफ पार्टनर मिल रहा है। अरे उमेर का तो दिमाग खराब हो गया है, पहले की बात और थी, एक दूसरे को पसंद करते थे जो भी था, लेकिन अब तो वो तलाक याफ्ता है और एक बच्चे की मां है वो। इसे मोहब्बत कहते हैं मेरी जान। अगर उमेर का फातिमा से शादी करना आसान नहीं होगा, भाभी जान कभी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। वो तो खुद फातिमा के लिए रिश्ते ढूंढती फिर रही है। मैं तो अब तक ये समझ रही थी कि मुताहिर फातिमा को छोड़ देंगे तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन ये तो इतनी चालाक निकली कि इसने इसने उमेर को ही फंसा लिया। चालाक तो है, बहुत चालाक है, कैसे मौका देख के खेल खेलती है ना। कौन कहेगा इतनी मासूम शक्ल वाली ऐसी प्लानर होगी। आपने ताईजान को बताया ये सारी बात? नहीं, अभी मैंने भाभी जान को कुछ भी नहीं बताया। तो कब बताएंगी? हाँ, कब बताएंगी? मैं तो कहती हूँ कि फौरन बता दे। बताऊंगी भाभी जान को, अभी थोड़ा वक्त दो। अभी तो सिर्फ चिंगारी लगी है, चिंगारी को शोला बनने दो, फिर देखना इस आग में फातिमा की खुशियों को जलाकर कैसे राख करती हूं।